मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं हस्बैंड, मेरे हस्बैंड दोनों आ गए हम छत पे, क्योंकि बाहर तो वॉक करने नहीं जा रहे अभी। और देखो हंस रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। और देखो ये वाली रोड ना पहले काफ़ी भरी होती थी, अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है यहाँ पे। दुख होता है देख के इंसान की क्या हालत हो गई है। और मॉर्निंग में मन कुछ विचलित सा था, हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए, मैं और ये, मन में चैन नहीं पड़ रहा था। कुछ खबरें ऐसी सुनने के लिए आ रही हैं, माहौल बड़ा अजीब हो रहा है, हमारे देश का बहुत दर्द हो रहा है जिसको देख के। और आई थिंक हर इंडियन बहुत दुखी है आज के दिन में, जब कोई जा रहा है ना अपना तो उसको फील करके। कितने सारे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनकी बहुत चिंता हो रही है, तो रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। और सुबह जल्दी उठ गए तो बस ज़्यादा सोचने से भी कुछ नहीं होता, तो हम लोग अपने कामों में लग गए, घर की क्लीनिंग कर ली, अपनी छत वॉश कर ली, क्योंकि आज से छत पे ही खेलेंगे बच्चे, नीचे बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। और वैसे जा ही नहीं रहे बाहर, लेकिन बस अभी छत पे ही खेलेंगे, क्योंकि बच्चे ना पूरे दिन नीचे बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, तो छत पे कुछ कर तो लिया करेंगे। तो मैं सोची अभी चलो नीचे क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, क्योंकि ज़्यादा बैठ के सोचने से भी कुछ नहीं होता, कुछ काम कर लेते हैं, है ना। तो बस मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि दोस्तों अपने आप को एक्टिव रखो, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड पे इन चीज़ों को हावी मत होने दो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत देखी हैं, बहुत झेली हैं, बहुत अपनों को खोया है, तो मुझे पता है कि क्या दर्द होता है। ये चीज़ें ना हमें ना बहुत परेशान कर देती हैं अंदर से, इंसान दुखों से उबर नहीं पाता और अंदर अंदर घुटता रहता है, घुटता रहता है। मेरे साथ ऐसे होता था पहले, मैं जब सो के उठती थी मॉर्निंग में ऐसे ही चुपचाप बैठ जाती थी, रोने लग जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, घंटों घंटों रोती रहती थी, रोती रहती थी। मैंने अपने आप को इन दुखों से कैसे निकाला है मुझे ही पता है, और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, इसलिए मैं कभी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कभी मैं कुकिंग करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा खाली नहीं रखती। और मेरे हस्बैंड भी मुझे ज़्यादा खाली अकेले छोड़ते नहीं, अगर मैं अकेले हो जाती हूँ ना कभी, तो फिर मैं कुछ पास्ट में चली जाती हूँ, कुछ सोचने लग जाती हूँ, और वो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ अंदर से, और मैं फिर से उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर इंडियन, जितने भी हमारे प्यारे से मेरे जो आप प्यारे दोस्त देख रहे हो, आप भी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखो, इन चीज़ों से थोड़ा सा हटा के रखो, क्योंकि मन का दुख सबसे बड़ा भारी होता है जीवन में ना, वो हमें जीने नहीं देता। तो आजकल बाहर की जो खबरें आ रही हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं बहुत, इनसे प्यार है, बीमार हैं, बस उनके लिए प्रार्थना चल रही है कि भगवान सबको ठीक कर दे। कुछ लोगों की न्यूज़ आ रही है कि वो नहीं रहे, कितना दर्द होता है ना। तो बस मैं अपने घर के इस वाले कॉर्नर की क्लीनिंग करूँगी आज, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर का एक ना एक एरिया रोज़ क्लीन करूँ, उससे मेरा माइंड भी डाइवर्ट रहता है और घर भी क्लीन रहता है। पहले मुझे ये सब ना ट्रिक्स नहीं आती थी, बट मैंने जब से ये ट्रिक अपनाई है तो मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और बिल्कुल क्लीन रहता है। तो घर की जैसे पूरी सफाई तो होगी, बट एक कॉर्नर स्पेशल सफाई हो जाती है थोड़ी सी, तो ठीक रहता है, घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाइजीन भी बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है, देखो है ना। और बिना बात के बैठे सोचते रहेंगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं, तो अपने हाथ पैर चला लेने चाहिए, इसी बहाने कुछ एक्सरसाइज सी भी हो जाती है हमारी। और आजकल मैंने एक्सरसाइजेस भी कुछ शुरू करी हैं, आपके साथ में शेयर करूँगी, अपने कमर और के लिए फैट के लिए थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो बस ये वाला एरिया पूरी तरह क्लीन कर लूँगी, यहाँ से पहले झाड़ू से जाले वगैरह निकाल दिए, अभी इन टाइल्स पे मार लूँगी कपड़ा। बस मैं वॉश बेसिन पे लगा दूँगी हार्पिक, और मैं एक हार्पिक की बोतल रखती हूँ बाथरूम में, और एक रखती हूँ किचन के लिए। और किचन के लिए इसलिए रखती हूँ क्योंकि किचन वाइट है, तो नीचे जो जहाँ पे वो लगा होता है ना वाइट सीमेंट, वो ब्लैक पड़ जाता है, तो वहाँ पे लगा देती हूँ, तो बिल्कुल फर्श एकदम क्लीन चमचमाता सा दिखता है, नहीं तो वो ख़राब दिखता है कितनी भी सफाई कर लो। ऐसे ही वॉश बेसिन के साइड वाले एरिया होते हैं ना, तो जहाँ पे वाइट सीमेंट लगी होती है कुछ टाइम बाद में ब्लैक पड़ जाती है, अगर आप इस पे ये हार्पिक लगा दो तो ये बिल्कुल वाइट हो जाती है और साफ़ दिखती है, नहीं तो आप कितना भी क्लीन करते रहो ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, ब्लैक पड़ जाती है। और ऐसे ही वॉश मशीन होती है, अगर आप इसमें वीक में एक बार भी हार्पिक लगा दोगे तो भी ये कितना चमचमाता रहता है। तो डेली बेसिस पर मैं इसकी सर्फ या फिर साबुन लगा के क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस मैं अपने घर की ये जो वॉशिंग एरिया क्लीन कर लूँगी आज। और देखो घर को एक एक कोने को लेके मैनेज करते हैं ना, तो आपको घर क्लीन मिलेगा हमेशा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
और एक घर की साफ़ सफाई के और ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उस घर में रहने वाली लेडी का कितना बड़ा हाथ होता है, आप उस घर को देख के समझ सकते हो। आप किसी के घर में जाओ और आप उसकी तारीफ़ करो और कहो कि आपका घर बड़ा प्यारा है, मैनेज है, उसके पीछे उस लेडी की, उसमें रहने वाले लोगों की कितनी मेहनत होती है, ये तो आप मानोगे। अगर क्योंकि पता है अगर लेडी एक्टिव ना रहे ना घर में तो और लोग तो वैसे ही लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ को तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं कर रहा ना कोई, तो बोल बोल के बोलते हैं कि कर लो भाई कुछ कर लो, और नहीं करता तो फिर हम अपने आप ही करते हैं। तो घर के सभी लोग एक्टिव रहें तो अच्छा है। तो ये वाला एरिया आज मैंने क्लीन कर दिया, नीचे से भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो देखो ये बॉक्सेस बना रखे हैं मैंने कार्डबोर्ड के, जैसे कुछ भी चीज़ें आती हैं ना खाली डब्बे आते हैं गत्ते के, तो वो वाले उनको मैंने ये रैपिंग पेपर लगा के रैप कर दिया। और ये मैंने दो ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं बाहर वाले एरिया के, घर में तीन चार जगह रख रखे हैं मैंने, एक तो अपनी शू रैक के ऊपर रख रखा है और ये मेरा टावल ऑर्गेनाइज़र है। तो इसमें जितनी भी टावल होती है ना बाथिंग टावल, उसमें मैं बाथरूम इसकी के सामने है वॉशरूम, तो इसी के सामने मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे टावल होते हैं जैसे बच्चों के दादाजी आते हैं तो उनका टावल है तो वो नीचे रख देती हूँ, तो बाद में जब वो आते हैं जैसे पापा जी तो ढूंढना नहीं पड़ता है ना, दादी का एक आधा सूट रखा रहता है गौरी की, तो वो इसमें रख देती हूँ नाइट सूट पहनने के लिए उनके लिए। तो जैसे जब वो आती हैं तो फिर मैं अलमारियों में नहीं ढूंढती फिरती कि कहाँ गया कहाँ गया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रखती हूँ। तो एक अच्छा टिप है आपके लिए, अगर आप रह रहे हो ना रेंट के हाउस पे और आपको नहीं है ऐसा कि आपके पास कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलमीरा वगैरह नहीं है, तो इतने महंगे महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। एक और इस तरह से ये बना रखा है, तो इसमें मैं सैनिटाइज़र की कैन रखती हूँ और कुछ साबुन रखती हूँ नहाने की, विनेगर रखती हूँ क्लीनिंग के लिए, हैंड वॉश के पाउच रख लेती हूँ, तो और इजी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो यहाँ पर रख लेती हूँ। और देखो बाथरूम के सामने है, वॉशिंग की चीज़ें हैं सारी, और ये डे बाई डे मतलब डेली उस पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो बार बार इसके लिए अलमारी खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहीं से उठाओ और यूज़ कर लो। तो इस तरह से मैंने स्लैब के ऊपर ये सब ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, और इसके स्लैब के नीचे जो जगह है उसके लिए भी मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो अभी, लेकिन जितना है। अब देखो श्रीजा की क्लास चल रही है पीछे, तो मैं चेक कर रही हूँ क्या कर रही है, तो पूरा हो गया ना ऑर्गेनाइज़। अभी मशीन को हटा के यहाँ से नीचे से भी क्लीनिंग करूँगी। इसी तरह मैं अपने कॉम्ब्स को भी क्लीन कर लूँगी, जितने भी हेयर कॉम्ब हैं घर में, तो मैं उनको लगभग 10 डेज़ पे क्लीन कर लेती हूँ और उनको क्लीन करके धूप में रख देती हूँ। तो बस मैं इस पर थोड़ा सा ये पता नहीं ये डिटॉल वाला हैंड वॉश है पता नहीं सेवलॉन वाला है जो भी है उससे इसको क्लीन कर लूँगी। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ा सर्फ या लिक्विड कुछ लगा के जो कपड़े धोने वाली वो होती है ना ब्रश उसको लगा दूँगी तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगी। और अपनी हेयर कॉम्ब्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट है ये अपने क्लीनिंग का। कपड़े वपड़े देखो हम सब कुछ धोते हैं और हेयर की कॉम्ब भी हमें वॉश करनी चाहिए, तो बस वो भी मैं वॉश कर लूँगी। बाहर देखो कितनी अच्छी धूप आई है, मैं दिखाती हूँ, मेरे घर में काफ़ी धूप आ जाती है उसका बेनिफिट भी होता है। बस बाहर वाले एरिया की मॉर्निंग में क्लीनिंग जल्दी कर लो तो अच्छा है, नहीं तो मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत जल्दी क्लीनिंग कर ली थी, लगभग 6:30-7 बजे से पहले ही, 5:30 बजे मैं उठी थी, फिर उसके 10-15 मिनट बाद मैंने बाहर की क्लीनिंग कर दी थी पूरी आज। और कॉम्ब सूख जाएंगे, बस मॉपिंग कर लेती हूँ अब।
रोज़ाना दोस्तों की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बहुत दुख है दुनिया में, बहुत परेशानी है, लेकिन इसके बीच हमें अपने आप को पैनिक नहीं होने देना, अपने माइंड को डाइवर्ट रखना है, पॉजिटिव सोच के चलना है, हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये दुख अगर हमारे दिमाग पे दिल पे हावी हो जाएंगे तो ये जीने नहीं देंगे, मुश्किल कर देंगे जीना। तो बस मैं सब लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपने अपने कामों पे लगे रहो। देखो इतनी मुश्किल में भी इंसान अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं कोई खाली नहीं बैठा, सब अपने कामों पे लगे हुए हैं। तो हम हाउस वाइफ का काम भी है कि हम अपने घर के कामों को अच्छे से निभाएँ और अपने घर का माहौल थोड़ा अच्छा बना के रखें, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये छोटा सा मैसेज आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना। फिर एक पॉजिटिव से नए वीडियो के साथ में मिलती हूँ। बहुत सारी खुशियाँ आपके परिवारों में बनी रहें, सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बाय बाय दोस्तों।